हॉकी के खेल में मिडफील्डर अगर एक इंजन की तरह होता है तो भारतीय हॉकी टीम में सरदार सिंह यही भूमिका निभाते हैं। भारतीय टीम की हर रणनीति की धुरी है सरदार सिंह। एक तरफ अपने डिफेंस को मदद करते हैं तो मौका मिलते ही अपनी फॉरवर्ड लाइन तक सटीकता से गेंद पहुंचाते हुए गोल की राह तैयार करते हैं और इसके लिए वो बखूबी इस्तेमाल करते हैं अपने बैकहैंड शॉट का। मैं इंडिया टीम में मिडफील्ड में खेलता हूं और मेरा फेवरेट शॉट बैकहैंड शॉट है। जब आप एक प्लेयर को जल्दी बीट कर लेते हो, सामने अगर आप पास खेलने की ट्राई करते हो या डी में शूट करने की ट्राई करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करनी पड़ती है आपके हाथों के ऊपर। ये जो हाथ है जल्दी इधर आना चाहिए और उसके बाद जो बॉल है और जो बॉडी पोजीशन है ये बिल्कुल सही होनी चाहिए। शॉट लेने से पहले ये जो राइट आपका पाँव है इसके बॉल पैरेलल होनी चाहिए, ज़्यादा आगे नहीं चाहिए, ज़्यादा पीछे नहीं। और एक आदमी को डॉज करके आपने कैसे हाथ को चेंज करना और जो हॉकी का ये पार्ट है ये टच होना चाहिए और हॉकी बिल्कुल ये पोजीशन पे होनी चाहिए, ज़्यादा बेंड भी नहीं, ज़्यादा ऊपर भी नहीं। जब मैं मिडफील्ड में खेलता हूँ मेरी यही कोशिश होती है कि पहले बॉल रिसीव करूँ और रिसीव करने से पहले मैंने अपना आदमी देख के रखूं और वो मैं मोस्टली मैचेस में करता हूं। तो उसके बाद मैं लॉन्ग पास जो भी फ्री है फॉरवर्ड उसको ट्राई करता हूं कि लंबा पास उसको मैं खेलूं। मैं भी आपको बताऊंगा कि लॉन्ग पास और रिसीविंग कैसे की जाती है। बॉल रिसीव करके थोड़ा टर्न करके और लॉन्ग पास। सरदार सिंह अच्छा लंबा पास। जब मैंने बॉल रिसीव की मेरा टारगेट यही होता है कि ट्राई करूं फर्स्ट टच खेलने के लिए, अदरवाइज़ जो सेंटर है जो डेंजरस पोजीशन है उधर मैं कोई भी बॉल ख़राब ना करूं और जल्दी जल्दी जैसे मेरे लेफ्ट हाफ राइट हाफ या फुल बैक है उनको जल्दी बॉल वापस दूं। हॉकी कहा जाता है कि दोनों हाथ से खेली जा सकती है, पर सरदार सिंह एक ऐसा खिलाड़ी है जो मात्र एक हाथ से वो करके दिखा जाता है, खास करके रिवर्स साइड से, जो बहुत कम खिलाड़ी कर सकते हैं। दशकों लग जाते हैं, उम्र निकल जाती है वो हुनर दिखाने में जो सरदार सिंह ने इतने कम समय में दिखाया है। क्या तो उनका गेम का संबंध है, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। हर लिहाज से वो टेक्निकली बहुत साउंड है। टेक्निकली जो मैं समझता हूँ गेम की प्रिपरेशन है उनमें भी उनकी काफ़ी नॉलेज है और उसमें वो काफ़ी हद तक अपनी टीम को संभाल भी लेते हैं। The only way to perform in the end is to show your best hockey. And he's so good. I even believe that he does not understand how good he is. In his delivery, he's really one of the best players. He can, with one pass, he can change the game completely. That's one of his abilities. हॉकी उसकी सिर्फ डिफेंसिव एंड मिडफील्डर का नहीं है, उसकी अटैकिंग पे भी है। क्योंकि जब सरदारा एक अपने कहते हैं लय में आ जाता है तो ओपोनेंट्स के पास कोई चारा नहीं होता सिर्फ डिफेंसिव मोड में आने के लिए। तो कहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का स्विच पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको अपने हाथ में रखते हैं कंट्रोल। और वो कंट्रोल जब भी सरदारा ने ओपोनेंट्स को अपने हाथ में कंट्रोल में रखा है, स्विच जब ऑन करना है करता है, जब ऑफ करना है ऑफ करता है, तो वो जो कंट्रोल सरदारा का है अगर ये कंट्रोल कंटिन्यू रखेगा तो मेरे ख्याल से ओपोनेंट्स का कोई भी कोच आ जाए, कोई भी प्लेयर आ जाए, हिंदुस्तान की टीम को रोकना बहुत मुश्किल है। देखिए इंडिया टीम में मैं सेंटर हाफ खेलता हूँ और वो जो पोजीशन है काफ़ी डेंजरस है, क्योंकि आप मिडल में जब खेलते हो तो स्पेशली जब यूरोपियन टीम के साथ खेलते हो, तीन तीन प्रेशर जब आप बॉल रिसीव करते हो, तीन चार प्रेशर आप आदमी आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं, तो आपको उधर से कैसे बॉल जल्दी खिलानी है फर्स्ट टच या टू टच खेल के। तो मेरा यही टारगेट होता है कि मिडल में मैं कम से कम बॉलिंग ख़राब करूं और जो लॉन्ग पासेज हैं जो मेरे बेस्ट हैं वो मैं पासेज खिला सकूं अपने स्पेशली फॉरवर्ड लाइन को। कोचेस के ऊपर डिपेंड है और लाइक कौन सी प्लानिंग, मान लो अपोनेंट कैसे खेल रहा है, एशियन टीम्स कैसे खेलती हैं, यूरोपियन कैसे, उनके साथ आपको कैसे खेलना है वो डिपेंड है। लाइक मैच से पहले जो हमारा एक घंटे का वीडियो सेशन और कोचेस की मीटिंग होती है तो उसके हिसाब से हम फॉलो करते हैं। प्लेंटी कॉर्नर के ऊपर हमारे नंबर्स होते हैं, कौन सा यूज़ करना
और टीम गेम का जब हम इकट्ठे होते हैं, मेरा यही सभी को है कि लाइक मैं सभी को बोलता हूँ कि जो आपकी लाइक बेस्ट स्किल्स हैं, किसी की स्पीड है, स्पीड में डॉई कैसे मारने हैं और अच्छे पासेज आपको कैसे खेलने हैं, उसके ऊपर वर्क करो, वो बेस्ट करना है आज आपको, मैन टू मैन मार्किंग अच्छी करनी है। वो गेम को एनालाइज बहुत अच्छे तरीके से करता है। हाफ टाइम में मैंने उसको देखा है, कोच की बातचीत के बाद सरदार सिंह 2-1 मिनट ज़रूर खिलाड़ियों से बात करता है और ग्रुप में, खासकर ये नहीं कि मुझे हर खिलाड़ी के पास जाके बात करनी है, जिस ग्रुप में उसको सबसे ज़्यादा कमी नज़र आ रही होती है उस ग्रुप के साथ वो डिस्कस करता है। यहाँ तक कि सरदार सिंह में एक और सबसे अच्छी क्वालिटी है कि वो खिलाड़ियों से पूछता है कि मुझे बताओ कि मैं कहाँ गलत हूँ और मैं कैसे बेहतर कर सकता हूँ। जैसे रुपिंदर पाल, रघुनाथ, क्योंकि मोस्टली ये फुल बैक खेलते हैं, तो जब हम लाइक 16-yard बॉल शुरू करते हैं तो आप्स का ये हमारा आई कॉन्टैक्ट है वो बहुत ज़रूरी है कि मेरे को अगर मैं राइट साइड में रनिंग करूँगा तो बॉल कहाँ फेंकनी है, अगर लेफ्ट में करूँगा तो कहाँ, तो धीरे धीरे काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। तो जैसे मनप्रीत है, यंगस्टर्स है काफ़ी, पर टीम के लिए पिछले 3-4 साल से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे हिसाब से यही है कि लाइक जैसे मैंने बोला, रघुनाथ और रुपिंदर पाल, इनके साथ मेरी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। सरदार मिडफील्डर हैं और एक मिडफील्डर को मैदान पर किसी भी दूसरे हॉकी खिलाड़ी की तुलना में सबसे ज्यादा दौड़ना पड़ता है। औसतन एक मिडफील्डर 70 मिनट के खेल में मैदान पर 6 से 9 किलोमीटर तक का फासला तय कर डालता है। सरदार यहां बिल्कुल नहीं चूकते, शायद यही वजह भी है कि वो टीम के सबसे फिट खिलाड़ियों में से एक हैं। आजकल की हॉकी में फिटनेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि गेम काफ़ी फास्ट हो चुकी है और 70 मिनट खेलना काफ़ी मुश्किल है। और मेरे हिसाब से ये कि टाइमली सोना, डाइट आपको कैसी लेनी है और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना, तो रेस्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चीज़ का अगर आप ख्याल रखोगे तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। जब कैंप में आते हैं स्पेशली, पूरे वीक का हमें शेड्यूल मिलता है तो लाइक पूरा टाइम बिजी रहते हैं हम कैंप में। सरदार इज अ प्लेयर हु इवन प्रैक्टिस मोर देन एवरीवन एल्स। इफ ही फील्स दैट ही नीड्स टू इंप्रूव इन अ सर्टेन एरिया, ट्रेनिंग इज ओवर एंड हाफ एन आवर लेटर और 20 मिनट्स लेटर लुकिंग बैक देन देयर इज वन गाय स्टिल प्रैक्टिसिंग एंड दैट इज द वे ही इज। ही विल कंटिन्यू to practice until he really can do the job and that's of course a fantastic attitude for any player. ज़्यादा अभी जैसे हम जिम में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं स्ट्रेंथनिंग के लिए, अपने रिकवरी पे बहुत ध्यान देता है वो आम आदमी की तरह हर पार्टी में इसमें नहीं चला जाता, बहुत रिकवरी और डाइट पे बड़ा ध्यान देने वाला खिलाड़ी है, तो सबको सबसे वो अलग करता है क्योंकि स्थिति में आने के बाद उसकी डिमांड बढ़ जाती है, उसके लोगों से एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती हैं, लोग सब कुछ उम्मीद करते हैं, उसके बावजूद वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है काफ़ी समय से, और मैं समझता हूँ अगर ये ऐसा रहा तो फिर काफ़ी लंबे समय तक हमें एक अच्छे खिलाड़ी की इनकी सेवाएँ मिलती रहेंगी। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था जो लास्ट ईयर हॉकी इंडिया लीग का था और मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छी बात है इंडियन हॉकी के लिए और वर्ल्ड हॉकी के लिए ये जो हॉकी इंडिया लीग शुरू हुई है, क्योंकि इस लीग की ये खासियत है कि सभी वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर्स इसमें परफॉर्म कर रहे हैं, तो जितने इंडियन प्लेयर हैं उनको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है उनसे। सरदारा की जो टीम है वो एक्सपीरियंस, यूथ एंड एक कहते हैं कि जो टीम की समन्वय आपस में है वो तीनों का बहुत अच्छा वो संतुलन है, तो सरदारा का इन तीनों से मेरे को लगता है कि जो एक बैलेंस टीम है सरदारा इसका हमेशा फ़ायदा उठाएंगे। हॉकी इंडिया लास्ट ईयर लीग में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही और इस साल भी हॉकी इंडिया लीग में उनकी परफॉर्मेंस मैं समझता हूँ बहुत अच्छी रहेगी क्योंकि वो एक बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। इस HIL में
जो पब्लिक आएगी वो एक दूसरी प्रोस्पेक्टिव लेके जाएगी CHIL से कि वो सरदारा ये भी कर सकता है। मैं हॉकी इंडिया लीग 2014 के लिए पूरी तरह तैयार हूँ।